मुजफ्फरनगर शिवसेना के पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। ललित मोहन शर्मा को 24 साल पुराने क्रिकेट पिच खोदने के मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इस पर आज ललित मोहन शर्मा कोर्ट में पेश हुए हैं। कोर्ट ने उनकी दलील सुनने के बाद उन्हें जेल भेज दिया है। 1999 में मुजफ्फरनगर के अंदर भारत पाकिस्तान श्रीलंका का महिला क्रिकेट टीम का रणजी ट्रॉफी मैच यहाँ होने थे। उस समय देश के अंदर आतंकवाद तेज़ी से बढ़ रहा था, तो उसे देखते हुए शिवसेना ने यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का विरोध किया था और स्टेडियम में रात को घुसकर पिच को तहस नहस कर दिया था, जिस कारण यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच रद्द हो गया था। उसी में हमारे शिवसेना अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा जी पर मुकदमे दर्ज हुए थे। आज 24 साल बाद हिंदुवादी सरकार में ललित मोहन शर्मा जी को पिच कांड में आज जेल भेज दिया गया। उनकी जमानत आज रद्द हो गई, तो आज उन्हें जो है जेल भेज दिया गया कोर्ट के द्वारा। और इससे जो है सभी हिंदू संगठनों में रोष है, एक हिंदुवादी नेता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह जेल भेजा जा रहा है। इसमें लगभग 22 लोग शामिल थे। कुछ लोगों ने इसमें जुर्माने देकर मुकदमे जो हैं अपने समाप्त करा लिए थे, कुछ लोग इसमें मर भी चुके हैं। इसमें अब जब मात्र 2-3 लोग रह रहे थे, इसमें प्रमोद भारती जो पूर्व सभासद हैं वे भी ललित मोहन शर्मा जी के साथ जेल जा रहे हैं। कितने लोग गए? अब 2 लोग गए हैं, माननीय शिवसेना प्रमुख ललित मोहन शर्मा जी और पूर्व सभासद प्रमोद भारती। अब किस तरह का कदम उठाएंगे? आगे की कार्रवाई है सर। इस सरकार में लगातार हिंदू संगठनों के नेताओं का जो है पूरा शोषण हो रहा है, पूरा उत्पीड़न हो रहा है, जबकि ये मुकदमे हमारे पर सपा और बसपा सरकार के टाइम के हमारे पर मुकदमे चल रहे थे और ये मुकदमे हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए हमने जो है अपने ऊपर लगवाए हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, जिस कारण आज हिंदूवादी संगठनों का पूरा शोषण इस सरकार में किया जा रहा है। जमानत कल की तारीख लगी है, कल बेल एप्लीकेशन इसमें डाली जाएगी।